This is my vow. All gods will die. That seems a bit dangerous. This ends here and now! दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियोज की मूवी थोर लव एंड थंडर के साथ में दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मार्वल स्टूडियोज की यह मूवी इंडिया में 7 जुलाई से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। इस मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ, नताली पोर्टमैन और टैका बैटर्जी भी मुख्य भूमिका में है। इस मूवी को इंडिया में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसे मल्टीपल भाषाओं में रिलीज किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक सुपरहीरो मूवी है। इस मूवी को इंडिया में लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। मार्वल की इस मूवी का निर्देशन टैका बैटर्जी ने की है। मार्वल स्टूडियोज की इस मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट लगभग $250 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो यह मूवी पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी। अगर बात करें इस मूवी के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो यह मूवी दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी, जबकि यह मूवी तीसरे दिन यानी शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 80 लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही थी। अगर बात करें इस मूवी के चौथे दिन यानी रविवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो यह मूवी चौथे दिन यानी रविवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी, जबकि इस मूवी के पांचवें दिन यानी सोमवार के दिन के कलेक्शन में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई और ये मूवी पांचवें दिन यानी सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 36 लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही थी। अगर बात करें इस मूवी के छठवें दिन यानी मंगलवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी छठवें दिन यानी मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 47 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही है। दोस्तों इस तरह से मार्वल की इस मूवी का पहले 6 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 74 करोड़ 63 लाख रुपए रही है, जिसमें से यह मूवी अकेले इंग्लिश वर्जन में 48 करोड़ 90 लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही है, जबकि यह मूवी हिंदी वर्जन में अब तक 21 करोड़ 68 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही है। अगर बात करें इस मूवी के तमिल वर्जन के कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी अब तक तमिल वर्जन में 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही है, जबकि यह मूवी तेलुगु वर्जन में 1 करोड़ 95 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही है। अगर बात करें इस मूवी के इंडिया ग्रॉस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का अब तक का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 94 करोड़ 80 लाख रुपए रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का अब तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3400 करोड़ रुपए रही है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी ओवरसीज मार्केट में अब तक 1600 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। अगर बात करें इस मूवी के सातवें दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार यह मूवी सातवें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर आप मार्वल स्टूडियोज की यह मूवी देख चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।